हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल भारत स्किल। आई एम रितिका। आज हम बात करेंगे सेल की फॉर्मेटिंग के बारे में। बेसिकली हम सेल की फॉर्मेटिंग होम टैब से करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप के तीन मोस्ट यूजफुल ऑप्शंस के बारे में। तो ये तीन जो मोस्ट यूजफुल ऑप्शंस हैं वो हैं कट, कॉपी एंड पेस्ट। ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। आप चाहे कोई सा भी टेबल बना रहे हो, कोई ग्राफ बना रहे हो, चाहे कुछ भी, मतलब कोई भी काम कर रहे हो एक्सेल पे, तो आपके लिए कट, कॉपी एंड पेस्ट ये तीन ऑप्शंस हमेशा यूज होंगे। तो जान लेते हैं इन तीन ऑप्शंस के बारे में, ये क्यों यूज होते हैं और इनकी शॉर्टकट कीज क्या है। तो कट की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस एक्स, कॉपी की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस सी एंड पेस्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस वी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कट करके बताती हूँ। ये देखिए हमारे G2 में एम्प्लॉय आईडी लिखी हुई है। मैं चाहती हूँ ये जो एम्प्लॉय आईडी है ये कट हो जाए और K2 में हम इसे लिख दें, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कंट्रोल एक्स से इसे कट किया एंड K2 में हमने इसे पेस्ट कर दिया। मैंने अभी बताया था पेस्ट का यूज हम हमेशा कट एंड कॉपी जो कंटेंट होते हैं उसको पेस्ट करने के लिए करते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे कंटेंट को कट किया एंड देन इसको पेस्ट करूंगी K2 में। पेस्ट करने के लिए हम शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल प्लस वी। ओके, देखिए मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्लस वी किया। ये देखिए G2 का जो कंटेंट था वो कट होके K2 में आ गया, ठीक है। अब मैं कॉपी की बात करती हूँ। कॉपी में क्या होता है, जैसे आपका ये जो K2 में एम्प्लॉय आईडी लिखी है, आपको ये एम्प्लॉय आईडी K2 में भी चाहिए और G2 में भी चाहिए, मतलब आपको दोनों में चाहिए। कि आपको ऐसा चाहिए कि आपका K2 से भी ना जाए और G2 में भी आ जाए ऐसा। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी से आपने इसे कॉपी कर लिया एंड देन आप सिलेक्टेड सेल G2 को करेंगे एंड देन कंट्रोल वी से इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये देखिए आपका जो K2 का जो कंटेंट था वो कॉपी होके G2 में भी आ गया। यानी कट, कॉपी एंड पेस्ट, ये तीनों चीज आपको समझ में आ गई। ये तीनों चीज एक दूसरे से लिंक होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मेट पेंटर की। फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है, तो गाइज मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, फॉर्मेट पेंटर हमेशा किसी भी सेल की जो फॉर्मेटिंग होती है ना उसको कॉपी करती है। जैसे G2 में हमारे लिख रखी है एम्प्लॉय आईडी, मैंने इसको इसका जो फॉन्ट था वो चेंज कर दिया। ये देखिए इसका फॉन्ट मैंने अल्जेरियन कर दिया, ओके, एंड देन इसका कलर भी मैंने चेंज कर दिया। फॉन्ट का कलर भी चेंज कर देती हूँ मैं, इसका फॉन्ट का कलर मैं कुछ रेड रख देती हूँ, ओके, एंड इसका बैकग्राउंड भी मैंने चेंज कर दिया, इसका बैकग्राउंड येलो, ओके। ये देखिए ये जो एम्प्लॉय आईडी है इसका मैंने पूरा का पूरा मतलब फॉर्मेटिंग कर दी इस सेल को। अब इस सेल की फॉर्मेटिंग मुझे एम्प्लॉय आईडी नहीं चाहिए, मुझे इस सेल की जो फॉर्मेटिंग कर रखी है ना वो मुझे कॉपी करनी है। तो उसके लिए हम किस चीज का यूज करेंगे, फॉर्मेट पेंटर का। फॉर्मेट पेंट, ये देखिए अभी हमने सेलेक्ट कर रखा है G2 सेल। अब यहाँ से जाएंगे हम फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे एंड देन ये देखिए ये जो फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन यहाँ पे आ गया है ब्रश टाइप का। आपको जहां भी इसको पेस्ट करना है वहां पे ले जाइए। ये देखिए आपका यहाँ पे, ये देखिए आपका जो बैकग्राउंड कलर था वो येलो हो गया। अगर आप इसमें कुछ भी लिखेंगे, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा एक्सेल, ये देखिए ये भी अल्जेरियन में ही आ रहा है और आपका जो साइज था, फॉन्ट साइज जो था, इसमें भी 11 था और इसमें भी 11 ही है। मतलब कि इसकी पूरी फॉर्मेटिंग आपकी G6 में भी आ गई। यानी किसी भी सेल की फॉर्मेटिंग को अगर आपको कॉपी करना है तो आप फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉन्ट ग्रुप की। क्लिपबोर्ड ग्रुप आपको पूरा समझ में आ गया, कट,
कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर किस लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉन्ट ग्रुप की। फॉन्ट ग्रुप का यूज कहाँ होता है और क्यों होता है? तो गाइस मैं आप सभी को बता दूं कि आप कोई भी टेबल बनाइएगा या फिर एक्सेल में कुछ भी वर्क कीजिएगा, तो आपकी जो फॉन्ट होती है, फॉन्ट का मतलब ये जो आप लिख रहे हो, इसका स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हो, इसका कलर कैसे चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हो, किसी टेबल में बॉर्डर कैसे डाल सकते हो, ये सब आपका फॉन्ट ग्रुप में मिलेगा। तो गाइस चलिए अब हम फॉन्ट ग्रुप के बारे में बात करते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक टेबल बना के रख रखी है। अभी हमें चाहिए ये जो ऊपर वाला, ये देखिए, ये जो हमारा रो 2 है, ये मुझे अल्जेरियन में चाहिए, ठीक है। मतलब ये जो रो 2 है इसका फॉन्ट स्टाइल अल्जेरियन होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए फॉन्ट ग्रुप में ऊपर ये देखिए कैलिब्री लिखा हुआ है। ये बाय डिफॉल्ट जो हमारा फॉन्ट स्टाइल होता है वो कैलिब्री ही आता है। तो अब हम यहाँ से जाके, ये देखिए ड्रॉप डाउन एरो है, यहाँ से हम खोलेंगे और यहाँ से हम अल्जेरियन ले लेंगे। ये देखिए अल्जेरियन लिया मैंने और ओके कर दिया। ये देखिए आपका जो फॉन्ट था रो 2 का जो फॉन्ट है वो सारा अल्जेरियन में चेंज हो गया। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कैसे करें। किसी भी फॉन्ट को बोल्ड करने के लिए आप बी पे क्लिक कीजिए। ये देखिए अभी मेरा सेल कहाँ पे है, B3 पे है, सिलेक्टेड सेल जो है हमारा B3 पे है। अगर हम बी पे क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा, आई पे क्लिक करेंगे तो ये इटैलिक हो जाएगा, ये देखिए थोड़ी टेढ़ी में आ गया, और अगर यू पे क्लिक करेंगे तो इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी, ये देखिए अंडरलाइन आ गई। बोल्ड की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+B, ओके। नेक्स्ट है इटैलिक, इटैलिक की शॉर्टकट की होती है Ctrl+I। नेक्स्ट है आपका अंडरलाइन। किसी भी कंटेंट को अगर आपको अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन की शॉर्टकट की होती है Ctrl+U, ओके। बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन तीनों की शॉर्टकट की मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं ताकि आपको विजिबल हो। ये देखिए ये तीनों आपकी शॉर्टकट कीज हैं, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन की। फिर ये देखिए नेक्स्ट आपका आता है बॉर्डर, आपको बॉर्डर कैसा चाहिए। ये हमारा टेबल है, इस टेबल में हमें बॉर्डर कैसा चाहिए वो हम देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, इस टेबल को पहले सेलेक्ट करते हैं पूरा। ये देखिए ये रहा हमारा पूरा टेबल, मैंने सेलेक्ट कर दिया है, और यहाँ से आपको जिस टाइप का बॉर्डर चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। ये देखिए अगर आपको बॉटम बॉर्डर चाहिए तो आप बॉटम बॉर्डर ले सकते हो, टॉप बॉर्डर चाहिए या मतलब कि सिर्फ ऊपर ऊपर का बॉर्डर चाहिए तो आपको सिर्फ टॉप बॉर्डर मिलेगा, लेफ्ट बॉर्डर चाहिए कि सिर्फ आपको लेफ्ट साइड में ही सिर्फ बॉर्डर चाहिए तो आपको लेफ्ट बॉर्डर पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से आपको हर टाइप के बॉर्डर्स मिल जाएंगे, और यहाँ पे ये देखिए बॉर्डर की जो लाइन है उसका स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए बॉर्डर की लाइन आप इस टाइप का चाहिए, डैश डैश टाइप का चाहिए, या फिर डबल लाइनिंग वाला चाहिए, डॉटेड चाहिए, या फिर थिक लाइन चाहिए, थिन लाइन चाहिए, वो आप यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। या फिर लाइन का जो कलर है वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर की लाइन का कलर आपको किस टाइप का चाहिए वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे चाहिए बॉर्डर की लाइन का कलर डार्क ब्लू, ओके, मैंने सेलेक्ट कर दिया डार्क ब्लू, एंड देन मैं पूरा इसको सिलेक्ट करूंगी, और यहाँ पे जाके मैंने ऑल बॉर्डर कर दिया, मतलब कि मुझे ये पूरा टेबल पूरे टेबल में बॉर्डर चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिल कलर की, कि फिल कलर होता क्या है। फिल कलर हमेशा हमारे सेल के बैकग्राउंड को फिल करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे जो रो 2 है ये सारे इन सब का जो बैकग्राउंड है
उसका कलर चेंज हो जाए। तो मैं गई फिल कलर में, यहाँ पे ये देखिए ड्रॉप डाउन एरो पे मैंने क्लिक किया, यहाँ से जो कलर आपको चाहिए जिस कलर में आपको करना है वो कलर आप यूज कर लीजिए। आपका फिल कलर ये देखिए हर टाइप का कलर है, आपको जो कलर चाहिए आप यहाँ से यूज कर लीजिए। एंड देन ये देखिए आपका जो रो 2 था वो उसी कलर का हो गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉन्ट के साइज के बारे में, कि फॉन्ट के साइज को हम कैसे चेंज करें। ये देखिए ये यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, ये यहाँ पे आप जाके मैन्युअली भी साइज को सेट कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये देखिए अभी हमारा जो सिलेक्टेड सेल है वो एम्प्लॉय आईडी पे है, मैं इसे मैन्युअली चेंज करना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 20, ठीक है। ये देखिए एंटर, हमारा जो एम्प्लॉय आईडी है वो देखिए कितना बड़ा हो गया है, इसका जो फॉन्ट साइज है वो बड़ा हो गया, ठीक है। अभी हम इसे इतना ही रहने देते हैं। और अगर आपको ऑटोमेटिकली अगर आपको चाहिए कि हाँ मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं करना, तो आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं फॉन्ट साइज को। ये देखिए मैं इंक्रीज कर रही हूँ, ये देखिए मेरा डिपार्टमेंट का जो साइज है वो इंक्रीज होते जा रहा है। और यहाँ से अगर यहाँ से आप डिक्रीज कर सकते हैं, ये देखिए डिक्रीज फॉन्ट साइज से, ये देखिए मेरा जो डिपार्टमेंट का साइज है वो डिक्रीज होते जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉन्ट कलर की। ये जो आपको कलर है, जो भी फॉन्ट का कलर है, अभी तो ब्लैक है, अगर हमें कोई और कलर यूज करना है तो हम क्या करेंगे, अभी हमारा जो सेलेक्टेड सेल है वो है डिपार्टमेंट, हम इसका फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, ये देखिए डिपार्टमेंट तो दिख नहीं रहा, मैं यहाँ आपसे बताती हूँ एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी का हमें कलर चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, फॉन्ट कलर में जाएंगे, आपको जिस कलर का चाहिए, ये देखिए मैंने ब्लू कलर लिया, ये देखिए आपकी जो एम्प्लॉय आईडी की कलर है वो चेंज हो गई। मैं यहाँ से रेड लेती हूँ, आपका जो एम्प्लॉय आईडी जो लिखा हुआ है उसका फॉन्ट का कलर चेंज हो रहा है। ये देखिए आपको जो कलर पसंद हो वो कलर आप यहाँ से ले सकते हैं। तो आपको फॉन्ट ग्रुप समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अलाइनमेंट ग्रुप की, कि अलाइनमेंट ग्रुप का वर्क क्या होता है। तो गाइस मैं आप सभी को बता दूं, अलाइनमेंट ग्रुप में तीन चीजें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है अलाइनमेंट, ऑरिएंटेशन एंड इंटेंट। तो चलिए अलाइनमेंट देख लेते हैं कि अलाइनमेंट होता क्या है और ये कैसे काम करता है। ये देखिए यहाँ पे मैं कुछ टाइप करती हूँ, लाइक एक्सेल 2019, ओके ये मैंने यहाँ पे टाइप किया एक्सेल 2019। अभी जो मेरा सिलेक्टेड सेल है वो है G9, ठीक है। इसका अलाइनमेंट जो है वो देखिए बॉटम अलाइन है, मतलब कि ये जो इसमें जो कंटेंट लिखा हुआ है वो बॉटम में है, ठीक है। मुझे इसे मिडल में करना है तो यहाँ से मिडल अलाइन कर देंगे। ये देखिए कंटेंट जो है वो थोड़ा सा ऊपर हुआ, मतलब मिडल में चला गया। अगर हमें यही कंटेंट को अपर अलाइन करना है तो हम क्या करेंगे, टॉप अलाइन। ये देखिए जो कंटेंट था वो टॉप में आ गया। अभी मैं इसको थोड़ा सा सेल को मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको विजिबल हो, ये देखो। और इसी तरह ये तो था बॉटम, टॉप और अपर अलाइन का, ठीक है। अब इसी तरह हम जो कंटेंट है उसको हम लेफ्ट, राइट एंड सेंटर में भी कर सकते हैं। जैसे ये देखिए अभी हमारा जो अलाइन है वो लेफ्ट अलाइन है, ठीक है। हम इसे सेंटर अलाइन भी कर सकते हैं, ये देखिए सेंटर पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए सेंटर अलाइन हो गया। हम इसे राइट अलाइन भी कर सकते हैं, राइट अलाइन पे जाके क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारा जो कंटेंट था वो राइट में आ गया। सेंटर पे करेंगे तो ये देखिए हमारा कंटेंट जो है वो सेंटर में आ जाएगा, और अगर हम लेफ्ट पे करेंगे तो हमारा जो कंटेंट है वो लेफ्ट में आ जाएगा। आई होप आपको अलाइनमेंट समझ में आ गया हो। इसी तरह हमारा ये देखिए इंडेंट भी काम करता है। अभी हमारा सिलेक्टेड सेल है G9, ये देखिए अगर मैं इंक्रीज इंडेंट करती हूँ तो हमारा जो कंटेंट है वो राइट हैंड साइड की तरफ इंक्रीज होगा। जैसे ये देखिए मैं इसे क्लिक करूंगी, ये देखिए जैसे जैसे मैं इंक्रीज इंडेंट कर रही हूँ, ये देखिए हमारा जो
कंटेंट है वो राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है। इसी तरह अगर मैं डिक्रीज इंडेंट करूँगी तो ये जो हमारा कंटेंट है वो और पीछे की तरफ आएगा। ये देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन क्या होता है, और आपको कहोगे ओरिएंटेशन होता क्या है, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आया। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, किसी भी कंटेंट को रोटेट करने के लिए कि आपको कंटेंट को किस तरह से चाहिए, उसके लिए हम ओरिएंटेशन का यूज करते हैं। ये देखिए, ये जो ए बी लिखा हुआ है, मतलब कि ये आपका कोई कंटेंट है उसको आप किस तरह से रखना चाहते हो। यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन एरो है, यहाँ पे जाके आप क्लिक कीजिएगा। ये देखिए, अब ये बोल रहा है आपको किस टाइप में चाहिए, वर्टिकल टेक्स्ट। ये देखिए वर्टिकल टेक्स्ट किया तो हमारा जो टेक्स्ट था ये देखिए वर्टिकली आ गया, ठीक है, नॉर्मल आ गया, ठीक है। और अगर आपको इसको चेंज भी करना है तो आप यहाँ पे ये देखिए अलाइनमेंट के अलाइनमेंट ग्रुप में साइड में ये जो छोटा सा ड्रॉप डाउन एरो है वहां पे जाइए। ये देखिए अलाइनमेंट में आ गए, यहाँ से आप ये देखिए ओरिएंटेशन का बॉक्स आ रहा है, इसमें आपको जितने डिग्री बढ़ाना है उतने डिग्री बढ़ाइए। ये देखिए आप इस लाइन को ऐसे कर सकते हैं, मतलब कि आपका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। ये देखिए मैं आपको, ये देखिए आपका जो टेक्स्ट है वो पूरा टेढ़ा हो गया राइट की साइड। ये देखिए यहाँ से आप देखिए, अब आपको किस काउंटर क्लॉकवाइज चाहिए, ये देखिए काउंटर क्लॉकवाइज है। नेक्स्ट है फिर एंगल क्लॉकवाइज चाहिए अगर आपको टेक्स्ट का ओरिएंटेशन, तो ये देखिए एंगल क्लॉकवाइज आपको टेक्स्ट का ओरिएंटेशन। वर्टिकल टेक्स्ट में मैंने अभी आपको बता दिया, टेक्स्ट को आपको रोटेट करना है, रोटेट टेक्स्ट अप, मतलब कि आपको टेक्स्ट को अपर अप की तरफ रोटेट करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको टेक्स्ट को डाउन की तरफ रोटेट करना है तो आप रोटेट टेक्स्ट डाउन कर सकते हैं, और नॉर्मल करना है तो आप वापस नॉर्मल कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए अब हम इसका जूम हटा देते हैं। इसी तरह रैप टेक्स्ट होता है, रैप टेक्स्ट मैं आपको लास्ट वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। सो गाइस आज हमने जो जो पढ़ा उसका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्विक रिवीजन के लिए मैंने एक छोटा सा रिवीजन वर्क बना के रखा है आपके लिए शीट टू पे। चलिए अब हम चलते हैं शीट टू पे। ये देखिए ये रही हमारी शीट नंबर टू, इस पे ये देखिए छोटा सा रिवीजन वर्क आप लोगों के लिए मैंने तैयार किया है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे करके आपको दिखाऊंगी उन क्वेश्चंस के आंसर्स, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि हमने जो आज पढ़ा था होम टैब के बारे में वो कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लिक एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी पे क्लिक कीजिए एंड इसको बॉटम सेंटर अलाइन करना है। इसे जूम कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को विजिबल हो। ऑल सेलेक्ट किया एंड यहाँ से जूम कर लिया। ओके, ये देखिए ये जो एम्प्लॉय आईडी है इसको हमें बॉटम सेंटर अलाइन करना है। तो सबसे पहले अलाइनमेंट में गए, यहाँ पे ये देखिए बॉटम, हमने बॉटम कर दिया। अब यहाँ से हमें सेंटर करना है, ये तो हमारा लेफ्ट है, ये देखिए ये हमारा सेंटर अलाइनमेंट, हमने सेंटर कर दिया। ये देखिए हमारा जो एम्प्लॉय आईडी था पहले लेफ्ट में था, अब कहाँ पे आ गया, सेंटर में। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि हमने क्या करना था, जो हमारा जो एम्प्लॉय आईडी लिखा हुआ था उसको बॉटम में और सेंटर में करना था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर टू, ये बोल रहा है चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ द रो 1 to 18, द फॉन्ट साइज ऑफ द रेस्ट रो इज 12। यानी हमें जो फॉन्ट साइज है रो नंबर 1 की वो 18 में चेंज करनी है, और बाकी जो रो की जो फॉन्ट साइज है उसको 12 में चेंज करनी है। तो सबसे पहले हम रो 1 की चेंज करते हैं, रो 1 को पहले सिलेक्ट कर लिया एंड देन फॉन्ट साइज में गए और वहाँ से 18 पे क्लिक कर दिया। ये देखिए हमारी जो फॉन्ट साइज थी वो बड़ी हो गई है, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लेते ताकि आप लोग को विजिबल हो।
और बाकी जो रोज थी उनकी भी फॉन्ट साइज हमें बोली गई है, उनकी भी फॉन्ट साइज हमें चेंज करना है। फॉन्ट साइज हमें चेंज करनी कितने करनी है, 12। बाकी की फॉन्ट साइज हमने सेलेक्ट कर लिया बाकियों को, और ये देखिए बाकी की फॉन्ट साइज हमने चेंज कर दी है और इसको 12 कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हमें बोलता है चेंज द फॉन्ट कलर ऑफ द रो 1। रो 1 का जो फॉन्ट कलर है उसको चेंज करने के लिए, तो सबसे पहले रो 1 को सिलेक्ट करेंगे, फॉन्ट कलर में जाएंगे, ये देखिए ये रहा हमारा फॉन्ट कलर, यहाँ से हम फॉन्ट कलर को चेंज करेंगे, ये देखिए हमने रो 1 का फॉन्ट कलर जो है वो हमने चेंज कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ये बोलता है बोल्ड एंड अंडरलाइन द टेक्स्ट इन रो 2। रो 2 में जो टेक्स्ट है उनको क्या करना है, बोल्ड करना है और अंडरलाइन करना है। तो बोल्ड की मैंने शॉर्टकट की बताई थी आप सभी को, बोल्ड की शॉर्टकट की होती है Ctrl+D एंड अंडरलाइन की शॉर्टकट की होती है Ctrl+U। तो ये देखिए सबसे पहले हमने रो 2 को सिलेक्ट कर लिया है, अब इसे बोल्ड हम यहाँ से भी कर सकते हैं फॉन्ट ग्रुप में, ये देखिए, और अंडरलाइन यहाँ से भी कर सकते हैं, बट एक्सेल में सबसे ज़्यादा यूज होता है शॉर्टकट कीज़ का, तो मैं शॉर्टकट की से ही आपको बताऊँगी। Ctrl+D से हम इसे बोल्ड करेंगे और अंडरलाइन के लिए Ctrl+U का यू को प्रेस करेंगे, ये देखिए Ctrl+U से हमारा अंडरलाइन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमें बोलता है चेंज द फॉन्ट ऑफ रो 1 टू अल्जीरियन। रो 1 का जो फॉन्ट है उसको हमें अल्जीरियन यानी अल्जीरियन में चेंज करना है, यानी फॉन्ट स्टाइल जो है हमें वो चेंज करना है अल्जीरियन में। अभी हमारा फॉन्ट स्टाइल है वो कैलिब्री है, अब हमें इसे अल्जीरियन में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं रो 1 को, देन फॉन्ट स्टाइल में गए और यहाँ से हमने अल्जीरियन ले लिया, ये देखिए हमारा जो फॉन्ट स्टाइल था वो चेंज हो गया। चेंज द फॉन्ट ऑफ द रेस्ट रो टू टाइम्स न्यू रोमन, यानी हमने फर्स्ट रो का तो हम अल्जीरियन में चेंज कर दिया था, अब बोल रहा है जो बाकी के जो रो बच गए उनको हमें टाइम्स न्यू रोमन में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम बाकी के रोज को सेलेक्ट कर लेते हैं और देन जाएंगे फॉन्ट स्टाइल में और यहाँ से हम चूज करेंगे टाइम्स न्यू रोमन, ये देखिए ये रहा हमारा टाइम्स न्यू रोमन, हमने इसे चेंज कर दिया, ये देखिए हमारा जो टेक्स्ट था वो टाइम्स न्यू रोमन में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, चेंज द फिल कलर ऑफ रो 1 टू एनी लाइट कलर। जो रो 1 का जो फिल कलर है उसको हमें चेंज करना है, तो सबसे पहले रो 1 को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसका फिल कलर हमें चेंज करना है और किसी भी लाइट कलर में चेंज करना है, तो हम फिल कलर में गए और यहाँ से कोई सा भी लाइट कलर हमने चूज कर लिया, ये देखिए हमने यहाँ से ये चूज कर लिया था, ये देखिए हमने लाइट कलर चूज कर लिया है और ये चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बोल रहा है सेलेक्ट ऑल द टेक्स्ट इन द वर्कशीट। हमारे जो वर्कशीट में जितने भी टेक्स्ट हैं उन सबको सेलेक्ट कीजिए, मतलब कि हमारा जो पूरा टेबल है उसको सेलेक्ट करें, एंड चेंज द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट टू सेंटर। और जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है उसको सेंटर में चेंज करेंगे और जो वर्टिकल अलाइनमेंट है एंड वर्टिकल अलाइनमेंट टू मिडल अलाइन, और जो वर्टिकल अलाइनमेंट है उसको मिडल में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे, ये देखिए पूरी टेबल को हमने सेलेक्ट कर लिया, अलाइनमेंट को चेंज करते थे एक एक करके, बट हमें अभी यहाँ पे ग्रुप में करना है यानी पूरी टेबल को करना है, तो हम क्या करेंगे अलाइनमेंट ग्रुप में जाएंगे और यहाँ से ये देखिए टेक्स्ट अलाइनमेंट, अलाइनमेंट ग्रुप में टेक्स्ट अलाइनमेंट में गए, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल को हमें किस में चेंज करना है सेंटर में, ये देखिए हॉरिजॉन्टल को हमने सेंटर में चेंज कर दिया, और वर्टिकल को हमें किस में चेंज करना है मिडल में, वर्टिकल को हमें मिडल में करना था तो ये देखिए हम सेंटर में कर देते हैं, बात वही है, ये देखिए सेंटर में कर दिया एंड देन ओके, ये देखिए हमारा जो टेबल था वो देखिए बिल्कुल सेंटर में आ गया है हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। तो ये हमारा था छोटा सा रिविजन वर्क, आई होप आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ सीखा हो, अगर कुछ सीखा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।
मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।